देखिए भाई साहब, हम तो बड़े प्रोग्रेसिव लोग हैं, हमें तो बिटकॉइन भी चलेगा। हाँ बिटकॉइन चलेगा। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुमने ऐसा कौन सा तीर मारा है? वैसे तो कुछ नहीं। और डाउरी में तुम्हें गाड़ी मिल रही है? आई हैव डन द एमबीए। इस वक्त एक बड़ी खबर मध्य प्रदेश से, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था कि इसी दौरान कुछ ऐसा हुआ कि दूल्हे मियां सलाखों के पीछे पहुंच गए। दूल्हे को दुल्हन के परिवार वालों ने मारुति बलेनो बतौर दहेज दिया था, लेकिन दूल्हे को चाहिए थी स्विफ्ट डिजायर। बस इसी बात को लेकर बातचीत कहां सुनी में तब्दील हो गई। ये सीसीटीवी फुटेज है रिटायर्ड मद्रास हाईकोर्ट जज नूटी राममोहन राव के घर से, जहां वो और उनके बेटे अपनी बहू सिंधु शर्मा को पीट रहे थे उनके बच्चों के सामने। किस बात के लिए? दहेज यानी कि डाउरी के लिए। द मेन क्राइटेरिया एंड मेन गोल ऑफ देम इज टू रीमैरी हिम फॉर द सेक ऑफ डाउरी एंड अदर थिंग्स। माय फादर हैज फुलफिल्ड एवरीथिंग, बट द पॉइंट इज दे आर नॉट मच सैटिस्फाइड विद इट, दे वांटेड मोर एंड मोर। इस वीडियो के वायरल हो जाने के बाद सिंधु ने बताया कि रिटायर्ड जज उन पर दबाव डाल रहे हैं कि वो कोर्ट में उनके खिलाफ कोई स्टेटमेंट ना दे, पर ऐसे दबाव की वजह से ही जो एक शादीशुदा महिला पर लगाया जाता है डाउरी के केसेस में, कन्विक्शन रेट इन केसेस में बहुत ही लो है। और जहां सिंधु शर्मा के केस में हमें डोमेस्टिक वायलेंस देखने को मिला, कुछ केसेस में तो परिणाम और भी बुरे हो सकते हैं। और दहेज की दानों ने निकल ली एक और जिंदगी। पति सास और ननद ने दहेज के लिए प्रताड़ित किया। Hung herself at her home in West Delhi after strangling her 1.5-year-old daughter. और अब भीम सिंह ये कह रहे हैं कि दहेज के चलते उसकी बेटी की हत्या की गई है। हर साल इंडिया में करीब 8,000 डाउरी रिलेटेड डेथ्स रिपोर्ट होती हैं, पर जो रियल नंबर है वो शायद इससे भी ज्यादा होगा, क्योंकि कई केसेस रिपोर्ट ही नहीं होते। पर वायलेंस बस एक परिणाम है डाउरी का, इसके कई और परिणाम भी है, जैसे सेक्स सिलेक्टिव अबॉर्शंस या फिर फीमेल इन्फेंटिसाइड, यानी कि जब किसी परिवार को पता चल जाता है कि उनके घर एक बेटी होने वाली है, तो या तो उसको डिलीवर करने से पहले महिला मना कर देती है या फिर उसके जन्म के बाद उसको मार दिया जाता है। और रिसर्चर्स ने इसका एविडेंस भी देखा है। Nowhere is demand and reverence for gold as great as in India. Despite the nation's poverty, an estimated $32 billion worth of gold is in private hands, most of it jewelry. जैसे 1980s में इंटरनेशनल गोल्ड प्राइसेस में बहुत बढ़ोतरी हुई थी, और रिसर्चर्स ने देखा कि जब ऐसा हुआ तब लड़कियों की मृत्यु भी ज्यादा होने लगी, क्योंकि माता पिता को लगा कि दहेज की वजह से उन पर एक भारी बोझ होगा। और एक परिवार के फाइनेंशियल डिसीजंस पर भी दहेज का बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है, क्योंकि रिसर्च ने दिखाया कि दहेज की वैल्यू एक परिवार की एनुअल इनकम के बराबर होती है। और वो परिवार जिनके पास एक लड़की होती है घर में, वो ज्यादा सेव करने लग जाते हैं उसके दहेज के लिए। वहीं शायद अगर एक लड़के की बात होती तो शायद वो पैसा अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करते। पर ये डाउरी का ये कॉन्सेप्ट बस इंडिया में नहीं पाया जाता, यूरोप में भी एक जमाने में ये बहुत आम बात थी। इनफैक्ट बॉम्बे का आइलैंड अंग्रेजों को दहेज में ही मिला था पोर्चुगल से एक रॉयल वेडिंग के दौरान। इनफैक्ट 1962 में भी एक ग्रीक प्रिंसेस की शादी में दहेज की भी बात हो रही थी। पर एक दिलचस्प बात यह है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट से यूरोप में तो दहेज का ये कॉन्सेप्ट कम हो गया, पर इंडिया में एक कम नहीं हुआ, उल्टा बढ़ गया। जैसे आप इस ग्राफ को देखिए, यहाँ 1930s में करीब 40% शादियों में दहेज देखा गया था, वहीं 2000 में ये नंबर 90% हो गया था। और इस मुद्दे के बारे में कई रिसर्चर्स ने विचार किया है, और इसी के बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। अब आप में से शायद कुछ लोग ये सोचेंगे कि इंडिया में डाउरी का कॉन्सेप्ट बढ़ रहा है, यह जानना जरूरी क्यों है। ये जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर हमें ये नहीं पता होगा कि ये बढ़ क्यों रहा है, हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे कर पाएंगे। मोतीलाल जी, अनंत जैसे लड़के के लिए 15,000 रुपए कोई बड़ी रकम नहीं, और फिर आपके पास अपना मकान भी तो है जी। मेरा ख्याल है आप दो एक दिन सोच लीजिए। अब डाउरी का कॉन्सेप्ट इंडिया में कैसे स्टार्ट हुआ था, इसके लिए कई थ्योरीज है। एक थ्योरी का मानना है कि डाउरी का कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ था कन्यादान या स्त्री धन के फॉर्म में, जहाँ हिंदू परिवार अपनी बेटी को कुछ दान करते थे, क्योंकि तब के ट्रेडिशंस के हिसाब से एक बेटी का उनके माता पिता की जायदाद पर कोई हक नहीं था। अब क्योंकि बेटियों के पास कोई लीगल राइट्स नहीं थी, इसलिए उसको कॉम्पनसेट करने के लिए दहेज दे दिया जाता था। पर आज की तारीख में दहेज का एक डिफरेंट मीनिंग है, जहाँ पहले वो बेटी के लिए दिया जाता था, अब वो ससुराल वालों के लिए दिया जाता है। इसीलिए अब दहेज का कॉन्सेप्ट मिलता जुलता है ग्रूम प्राइस के कॉन्सेप्ट से, जहाँ जितना दहेज देना होता है वो दूल्हा की मार्केट वैल्यू डिसाइड करती है, और ये मार्केट वैल्यू निर्भर करती है उसकी कास्ट, एजुकेशन, सैलरी या फिर जॉब की टाइप पर। और ये ग्रूम प्राइस कॉन्सेप्ट टोटली ऑपोजिट है ब्राइड प्राइस के कॉन्सेप्ट से, या दूल्हे के परिवार की बजाय दुल्हन के परिवार को दहेज दिया जाता है। और ये ब्राइड प्राइस 19वीं सदी में साउथ इंडिया में कॉमन था, और आज भी कई जगह पाया जा सकता है, जैसे नॉर्थ ईस्ट इंडिया में।
ये ब्राइड प्राइस का कॉन्सेप्ट यूजुअली गरीब और लोअर कास्ट परिवारों में ज्यादा देखा गया था, क्योंकि ब्राइड प्राइस एक तरीके का कॉम्पनसेशन था, क्योंकि वो लड़की एक परिवार के लिए काम कर रही थी और क्योंकि वो शादी के बाद अपने घर में काम नहीं कर पाएगी, इसलिए कॉम्पनसेशन के तौर पे एक ब्राइड प्राइस दिया जाता था उस परिवार को। और इंडिया में ज्यादा संभावना है कि एक लोअर कास्ट परिवार से महिला काम करेगी और ना कि एक अपर कास्ट परिवार से, क्योंकि अपर कास्ट में कई बार माना जाता है कि उनके परिवार का सम्मान अलाउ नहीं करता कि उनके घर की बेटी बाहर काम करेगी। और रिसर्चर्स कहते हैं कि इस ब्राइड प्राइस के कॉन्सेप्ट में इतना बदलाव नहीं आया इंडिया में, पर जो दहेज का कॉन्सेप्ट है उसमें बढ़ोतरी हुई है, जो हमने इस ग्राफ में भी देखा था। और ये प्रैक्टिस बढ़ी है इसके बावजूद कि इंडिया में कई एक्टिविस्ट रहे जिन्होंने डाउरी के खिलाफ प्रदर्शन किया है, जैसे सत्य रानी चड्ढा जिन्होंने डाउरी के खिलाफ कई कैंपेन्स लड़े थे। और हमारे इतिहास में भी ऐसे कई एक्टिविस्ट थे, जैसे राजा राम मोहन रॉय जिन्होंने डाउरी ही नहीं बल्कि सती, पर्दा, कास्ट सिस्टम और चाइल्ड मैरिज के खिलाफ आवाज उठाई थी। पर हम में से कई लोग उनकी जिंदगी के बारे में इतना जानते नहीं है। अगर आप जानना चाहते हैं तो मैं स्ट्रॉन्गली रिकमेंड करूंगा कुकू FM ऐप को, जहाँ एक ऑडियो बुक है उनकी जिंदगी के बारे में जिसमें 11 डिफरेंट एपिसोड्स हैं। इस ऐप में कई ओरिजिनल पॉडकास्ट और ऑडियो बुक्स हैं डिफरेंट लैंग्वेजेस में, और इसका एनुअल प्लान बस 399 रुपीज का है, तो कई ऐप्स के मंथली प्लान से भी सस्ता है। और क्योंकि वो इस वीडियो को स्पॉन्सर कर रहे हैं, आपको 20% डिस्काउंट भी मिलेगा अगर आप मोहक20 कूपन कोड यूज करोगे। इसका मतलब है कि इस ऐप का फिर दाम हो जाता है 1 रुपए से भी कम हर दिन के लिए। इस ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जिसको जरूर चेकआउट करें। अब इस ग्राफ पर वापस आते हैं। तो क्या कारण है कि जहां इकोनॉमिक डेवलपमेंट से हम ये उम्मीद लगाएंगे कि दहेज का कॉन्सेप्ट कम होगा, वही इंडिया में ये बढ़ रहा है? अब इसके पीछे कई थ्योरीज दी गई हैं, पर इस वीडियो में हम 3 पर फोकस करेंगे। और इस चीज के लिए हमने बात करी गौरव चिपलूंकर से, जिन्होंने इस विषय पर एक पेपर भी लिखा है। तो डाउरी के फील्ड में काफी सारी थ्योरीज है ऑन हाउ डाउरी इवॉल्व्स विद सर्टेन फैक्टर्स, लेकिन डेटा बहुत कम है, तो इसलिए कोई वो थ्योरीज टेस्ट नहीं कर पाया है। तो हमारे पेपर में बेसिकली हमें एक अच्छा डेटा सेट मिला जिसकी वजह से हम ये सारी थ्योरीज टेस्ट कर सकते हैं। पहली थ्योरी प्रपोज करी थी फेमस इंडियन सोशियोलॉजिस्ट MN श्रीनिवास ने, इसको बोला जाता है थ्योरी ऑफ संस्कृताइजेशन। अब सिंपल शब्दों में संस्कृताइजेशन एक प्रोसेस है जहां जो लोअर कास्ट के लोग होते हैं वो अपना स्टेटस बढ़ाने के लिए अपर कास्ट की प्रैक्टिसेस को कॉपी करने की कोशिश करते हैं। और MN श्रीनिवास कहते हैं कि डाउरी की प्रैक्टिस मोस्टली अपर कास्ट में थी और ये फैल गई थी लोअर कास्ट में क्योंकि वो अपना स्टेटस बढ़ाना चाहते थे। और गौरव चिपलूंकर और जेफरी वीवर अपने पेपर के जरिए दिखाते हैं कि ये थ्योरी इस ग्राफ को एक्सप्लेन नहीं कर सकती। उन्होंने डाउरी की अडॉप्शन को कंपेयर किया डिफरेंट कास्ट ग्रुप्स में, और जैसे आप देख सकते हैं कि ये सारे ही ग्राफ मिलते जुलते हैं। पर अगर MN श्रीनिवासन की थ्योरी सही होती तो हमें लोअर कास्ट का ग्राफ में तो बढ़ोतरी दिखती पर अपर कास्ट में नहीं। दूसरी थ्योरी दी थी शिवान एंडरसन ने, जो कहती है कि डाउरी का अडॉप्शन बढ़ा है इंडिया में इकोनॉमिक डेवलपमेंट की वजह से, स्पेशली क्योंकि हिंदू सोसाइटी में एक परिवार अपनी लड़की की शादी ऐसे परिवार में कराना चाहता है जिनकी कास्ट उनसे ऊपर है। अब एंडरसन के आर्गुमेंट को और बारीकी से समझने की कोशिश करते हैं। ये मान लीजिए कि कुछ अपर कास्ट लोग हैं और कुछ लोअर कास्ट लोग हैं। एंडरसन अज्यूम करती है कि कोई भी दुल्हा ऐसी दुल्हन चूज करेगा जिसका परिवार सबसे ज्यादा दहेज देता है। अब इकोनॉमिक डेवलपमेंट से पहले पैसा बस अपर कास्ट के हाथ में ही था, पर डेवलपमेंट के बाद लोअर कास्ट परिवारों में भी आ गया। अब इससे बदलाव क्या हुआ? क्योंकि अब लोअर कास्ट परिवारों के पास भी पैसा है, उनकी लड़कियां अपर कास्ट लड़कियों के साथ कम्पीट कर सकती हैं एक अपर कास्ट व्यक्ति से शादी करने के लिए। अब क्योंकि कॉम्पिटिशन बढ़ गया है, इसकी वजह से ज्यादा परिवार को दहेज देना पड़ रहा है, जिसकी वजह से हम दहेज के ग्राफ में एक इंक्रीज देख सकते हैं। अब ये थ्योरी पेपर में जरूर सही साउंड करती है, पर इसमें कुछ खामियां हैं। मेनली जो अजम्पशन एंडरसन ने यूज किया है कि एक परिवार अपनी बेटी को एक हायर कास्ट परिवार से शादी करवाना चाहता है, पर रिसर्च ने दिखाया कि लोग सेम कास्ट में शादी करवाना प्रेफर करते हैं और ना कि एक हायर कास्ट में। इनफैक्ट अभिजीत बैनर्जी, एस्थर डूफ्लो और दूसरे इकोनॉमिस्ट ने अपने पेपर में बताया कि अपनी कास्ट में शादी करना लोगों के लिए इतना महत्वपूर्ण है कि एक दूल्हा जो उनकी कास्ट से है पर कोई एजुकेशन नहीं है, और एक दूसरा दूल्हा जो एक दूसरी कास्ट से है पर जिसकी मास्टर्स डिग्री है, लोगों के लिए वो एक समान ही होते हैं। और फाइनली हम थर्ड थ्योरी में आते हैं, जो चिपलूंकर और वीवर के हिसाब से इस ग्राफ को एक्सप्लेन करती है, ग्रूम क्वालिटी थ्योरी। वो कहते हैं कि पिछले कई सालों से ग्रूम क्वालिटी यानी कि दूल्हों की क्वालिटी बढ़ी है, जिसकी वजह से कई परिवारों को अब दहेज देना पड़ रहा है। So, अगर आप देखेंगे कि 40s, 50s, 60s, जैसे देश आजाद हुआ फॉर एग्जाम्पल 47 में और उसके बाद वगैरह, तो काफी आप देखेंगे कि एजुकेशन में काफी इन्वेस्टमेंट्स हुई एंड मोस्ट ऑफ इट वाज ऑन मेन,
अब जैसे लड़के ज्यादा एजुकेटेड हुए और उनको बेहतर जॉब्स मिलने लग गई, उनकी मार्केट वैल्यू बढ़ी और इसीलिए ज्यादा परिवारों को दहेज देना पड़ा। अब इस आर्गुमेंट में एक चीज है, ज्यादा परिवार दहेज तभी देंगे जब रिलेटिव ग्रूम क्वालिटी बढ़ रही हो। इसका मतलब है कि लड़के एजुकेटेड हो रहे हैं और लड़कियां भी एजुकेटेड हो रही हैं, तो दहेज में इतना फर्क नहीं होगा, रिलेटिविटी मैटर करती है। और गौरव चिपलुंकर कहते हैं कि लड़कियों की क्वालिटी बढ़ाना एजुकेशन के जरिए वो डाउरी का एक सोल्यूशन भी हो सकता है। सो हमारे पेपर में हमने मेल एजुकेशन पे फोकस किया है प्राइमरली क्योंकि हमारा डेटा वैसे स्ट्रक्चर था, लेकिन जो 80s 90s के बाद इंडिया में जो फीमेल एजुकेशन की जो अचीवमेंट्स हुई है, दैट कुड बी अ पोटेंशियल सॉल्यूशन टू रिड्यूस डाउरी। अब ऐसा क्यों है? एक कारण है कि जैसे इंडिया में ज्यादा डेवलपमेंट हुई है और लड़कियों को ज्यादा एजुकेशन मिली है, इसका मतलब ये नहीं है कि कई लड़कियां काम करने लगी है। अब एक क्लैरिफिकेशन, ऐसा नहीं है कि महिलाएं काम नहीं कर रही, वो घर का काम कर रही हैं, पर कोई वो पेड वर्क नहीं कर रही है। दूसरे डेवलपिंग देशों के कंपैरिजन में इंडिया की फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट बहुत ही कम है, पर इसके कई कारण हैं जिनके बारे में हमने एक पिछले वीडियो में डिस्कस भी किया था। और उनमें से एक कारण है कि मोस्टली सारा घर का काम महिलाओं को ही करना पड़ता है, जिसकी वजह से वो कोई पेड वर्क नहीं कर पाती। 2014 की NSS रिपोर्ट ने दिखाया कि करीब 60% महिलाएं ने कहा है कि उनको घर का काम इसलिए करना पड़ता है क्योंकि कोई भी और करना ही नहीं चाहता इन चीजों को। इसके अलावा हमारे समाज में कई लोग मानते हैं कि एक अच्छी घर की महिला को बाहर काम करना ही नहीं चाहिए। अभी समस्याएं बहुत बड़ी हैं, पर इसका ये मतलब नहीं है कि इनका कोई सलूशन नहीं है। सलूशन है, बस हमें थोड़ा क्रिएटिव होना होगा, क्योंकि डाउरी को बैन करने से कुछ नहीं होगा। डाउरी के खिलाफ कई लॉज सालों से चले आ रहे हैं, पर इसके बावजूद डाउरी की प्रैक्टिस पर इतना असर नहीं हुआ है। अब जैसे हमने देखा कि डाउरी इसलिए हो रही है क्योंकि रिलेटिव क्वालिटी जो लड़कों की है वो बेहतर है। इस चीज को कम करने के लिए हमें महिलाओं की भी क्वालिटी बढ़ानी होगी। क्वालिटी का मतलब हमें उनको एजुकेशन देनी होगी और उनको इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज देनी होगी। और ये हम कैसे कर सकते हैं? दो चीजों के बारे में सोचिए, एक तो रूरल मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना और दूसरा ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूव करना। जैसे एक सर्वे ने दिखाया कि एक कच्ची या फिर पक्की रोड बनाने से महिलाओं की नॉन फार्म वर्क पार्टिसिपेशन करीब 50% से बढ़ सकती है। इन चीजों के अलावा हमें समाज की सोच भी बदलनी होगी, और ये बहुत जरूरी है क्योंकि मान लीजिए अगर हम डाउरी की प्रैक्टिस बंद भी करवा लेते हैं परिवार वालों को जेल में भेजकर बिना सामाजिक सोच बदले हुए, तो एक्चुअली उससे महिलाओं की पोजीशन बद से बदतर हो सकती है। एक रिसर्च पेपर ने दिखाया वो महिलाएं जिनके परिवारों ने दहेज दिया था उनको अपने ससुराल में ज्यादा पावर मिलती है, शायद इस वजह से क्योंकि उनके ससुराल वाले अब उनका ज्यादा सम्मान करते हैं। इसलिए अगर आप डाउरी को बंद करवा देंगे बस लोगों को जेल में भेज कर ही, तो उससे उल्टा महिलाओं की पोजीशन और खराब हो जाएगी उनके घरों में। इसीलिए सरकार को सामाजिक सोच भी बदलनी होगी, और इसके लिए वो यूज कर सकते हैं इनोवेशन डिफ्यूजन फ्रेमवर्क। इस फ्रेमवर्क के हिसाब से एक कम्युनिटी में बदलाव लाने के लिए हमें उस कम्युनिटी के की लीडर्स में बदलाव लाना होता है। तो दहेज के बारे में लोगों की राय बदलने के लिए सरकार को की लीडर्स को आइडेंटिफाई करना होगा और दहेज के बारे में उनको बताना होगा। कई सालों से डाउरी के रूप में जरूर बदलाव आया है, पर डाउरी की प्रैक्टिस और मजबूती हुई है। शायद पहले चाहे वो खुले में होती थी, पर अब उसके परिणाम हमें बंद दरवाजों के बीच ही दिखते हैं। इसी वजह से कानून को ही नहीं बल्कि समाज को भी अपना कर्तव्य निभाना होगा इस प्रैक्टिस को बंद करने के लिए।